हाँ, तो बच्चों कक्षा 9 में रसायन विज्ञान में हमको पढ़ना है, सबसे पहले परमाणु संरचना पढ़ना है हमको। और इन परमाणु संरचना में देखिए, परमाणु संरचना में ये मालूम है हमको कि कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु का निर्माण हमारा 3 मूल कणों से मिलकर होता है। और वो 3 मूल कण हमारे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं उसको डाल लेते हैं, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि परमाणु क्या है। परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु का मतलब यह है कि किसी भी तत्व का छोटे से छोटा वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी कि किसी तत्व का छोटे से छोटा वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। यानी किसी तत्व का छोटे से छोटा वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो ये तो परमाणु हो गया। अब ये जो परमाणु है, ये परमाणु हमारा 3 छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। यानी कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, और इन्हीं 3 मूल कणों से मिलकर के हमारा कोई भी परमाणु बनता है। तो परमाणु के जो 3 मूल कण है, पहला क्या है, पहला मूल कण है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा मूल कण है हमारा प्रोटॉन, और जो तीसरा मूल कण है वो है हमारा न्यूट्रॉन। तो इन्हीं 3 मूल कणों से मिलकर के हमारा परमाणु बनता है, और परमाणु को इन्हीं 3 मूल कणों में विभाजित भी किया जा सकता है। यानी कि जो परमाणु है वो विभाज्य है, परमाणु को हम इन 3 मूल कणों में विभाजित भी कर सकते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं, किसी तत्व का छोटे से छोटा वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु का जो निर्माण है, परमाणु का निर्माण 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, और उन 3 छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब चलिए इसके आगे करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो वैज्ञानिक है जे.जे. टॉमसन। कौन है, जे.जे. टॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6×10⁻¹⁹ कूलाम का ऋण आवेश होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, भार,
बराबर होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। ठीक है, 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का हमारा द्रव्यमान है, भार है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नौ तो लेंगे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे टॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। और इस ऋण आवेश का मान कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻³१ किलोग्राम होता है। और ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब इसके बाद आता है प्रोटॉन, जो दूसरा मूल कण है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। और जो प्रोटॉन का आवेश होता है ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का धन आवेश होता है इस पर। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। और नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन जो है ये कहाँ पर स्थित होता है? नाभिक में स्थित होता है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की बात, और ये हो गई प्रोटॉन की बात। प्रोटॉन की खोज कितने की? रदरफोर्ड ने की। आवेश कितना होता है? यहाँ ऋण आवेश था और यहाँ पर क्या है? धन आवेश, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का इस पर धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहा था, लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। अब एक हमारा बच गया कौन सा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की है हमारे चैडविक महोदय ने, चैडविक। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जीरो आवेश होता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि विद्युत उदासीन कण। चले इसको छोड़ें, कोई भी आवेश नहीं होता है, या हम इसको लिख सकते हैं विद्युत उदासीन कण है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वही होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। और ये भी हमारा परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने ये जाना कि परमाणु किसे कहते हैं। तो किसी भी तत्व का छोटे से छोटा हुआ कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है, कोई भी परमाणु है। तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग वो लेगा। तो परमाणु है,
तो परमाणु तीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन्हीं तीन छोटे छोटे कणों में वो विभाजित भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसके आगे का जो टॉपिक है वो हमारा आगे के नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ठीक है।